ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर हमारे ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रुप के लिंक को आप यहां पर ढूंढ सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और सबसे पहले मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी को, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं या जितने भी साधक या साध्वी हैं, उन सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला उनके हर काम को बख्शे और उनके जितने भी काम हैं वो सभी बने, जितने भी उनके रुके हुए काम हैं या किसी को धन की समस्या है, किसी को कोई भी समस्या हो, वो उन सब की समस्या इस ईद के पावन पर्व पर उनकी दूर हो जाए, उनका मसला दूर हो जाए, ऐसा मैं अपने मन से इच्छा करता हूँ। और इसी को लेकर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रचंड वशीकरण लेके आया हूँ जो कि बहुत कम समय में काम करता है, लेकिन क्योंकि आज ईद का पावन पर्व है और आप अभी अगर समय देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त है और इस समय अगर आप करते हैं तो मात्र एक बार जाप करने से ही ये जो मंत्र है ये काम करने लगता है। बहुत सी ऐसी पद्धति होती हैं जो इस्लामिक धर्म में हिंदू धर्म के अलग होती हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है। इस्लाम में आप कुछ भी जो भी चीज़ करेंगे वो अरबी में या उर्दू में होता है और उसको आयात के तौर पर पढ़ा जाता है या फिर उसको घोल के पिला दिया जाता है। तो उसी को मैं ध्यान में रखकर आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ और इसको आप ज़रूर आज़माइए और इसका असर देखिए। करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले इस्तखारा करना होगा। इस्तखारा करने का मतलब होता है उसके बारे में जान लेना। जो भी आप कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, किसी के ऊपर वशीकरण करना है या किसी को अपने पास बुलाना है, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इस्तखारा आप ज़रूर करिए और इस्तखारा के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियोज़ में सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आज का उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये जो प्रक्रिया है ये मुस्लिम है, इसलिए आपको घुटने मोड़ के ठीक उसी तरह बैठना होगा जिस तरह से नमाज को पढ़ा जाता है। आप उस तरह बैठ जाइए और अपने मन को बिल्कुल शांत करिए और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें। अल्ले वल्ले सलल्ले मोहम्मद रसूल अल्ले या अली मुखवीर। मैं मंत्र फिर से बताता हूँ। अल्ले वल्ले सलल्ले मोहम्मद रसूल अल्ले या अली मुखवीर। इस मंत्र का आपको सिर्फ एक बार जाप करना है क्योंकि बहुत ही अच्छा पावन पर्व है अभी और आपने देखा होगा ये सब चीज़ें तभी काम करती हैं जब इनका ठीक समय होता है या ठीक सटीकता होती है। यदि आप फिल्मों में भी अगर ध्यान से देखें तो उनमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की झलक दिखलाई जाती है कि कोई भी इस प्रकार का प्रयोग या प्रक्रिया करता है तो उसको अमावस्या की रात, दीपावली की रात, दशहरा, होली, दिवाली, ईद, इन सब पे दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये वाकई इन सब पर्वों पे या फिर इन सब दिनों में काम करती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रयोग सटीक हो, आप कोई भी काम करें वो सटीकता से हो जाए, आपको परेशानी ना आए, तो सबसे पहले आप ये पक्का कर लीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं उसका समय देखिए। समय और आपके बोलने की जो प्रोनंसिएशन है या आपका जो उच्चारण है वो दोनों अगर सटीक होंगे तो 90% यही चांस होते हैं कि आपका काम सफल होता है। बाकी मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि देखिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए अगर आप काम करेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि आपका काम होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको किसी से बेतहा मोहब्बत है और आप उससे शादी करना चाहते हैं या आप उसके साथ रहना चाहते हैं, ये सोच के अगर आप किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका जो प्रयोग है बहुत जल्दी सफल होता है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मेरा काम हो गया है। मैंने अपनी आपको पिछली वीडियोस में कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई थी जिससे आपको पता लग गया होगा कि लोगों के काम वाकई होते हैं। अगर लोगों के काम हो सकते हैं तो आपके भी काम होंगे। लोगों में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का है कि उन्होंने प्रयोग किया और उनका काम हुआ। आप भी प्रयोग कीजिए, आज और कल दो दिन हैं आपके पास इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए। किसी भी समय आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा सही रहेगा।
और अगर उसके बाद भी आप करते हैं तो भी ये काम कर जाता है, लेकिन ज़्यादा काम ये अभी करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही सटीकता से काम करे, ना कि कोई गुंजाइश ही ना हो, तो आप इसके बाद एक गिलास पानी ज़रूर पी लीजिएगा। पानी पीने से क्या होगा कि ये जो मंत्र है ये और भी ज़्यादा रफ्तार से आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इसकी बहुत गहरी गणित है जो मैं आपको नहीं समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर समझाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये प्रयोग कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अंत में इतना ही कहूँगा कि ग्रुप में आप सभी लोगों को, जिन 10-10 लोगों को ऐड किया जाएगा, और उनके मोबाइल नंबर्स आपको बता दिए जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग के या एंड के कुछ डिजिट। और ग्रुप में आप अब ऐड नहीं हो सकते, हम आपको खुद ऐड करेंगे। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम कमेंट सेक्शन में देना है और हम आपको अपने आप ऐड कर लेंगे, या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज में बता सकते हैं कि हमें ऐड होना है। ग्रुप पे आपको सारी वीडियोस या फिर आप कुछ भी लाइव पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे रिस्पांस मिलेगा। और कई कबार होता है कि रिस्पांस नहीं मिलता, तो भी आप पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस मिलेगा। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन या उपाय पूछ सकते हैं और बहुत सारी आपको सपोर्ट मिलेगी ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप का आपको फ़ायदा होगा। चलिए आज मैं आपको एक और अपने ऐसे ही एक साध्वी से मिलाता हूँ जिनका काम बना है और वो बहुत बहुत ही प्रसन्न है, तो चलिए उनकी खुशी में थोड़ा शामिल हुआ जाए। पूजा यादव। पूजा यादव कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अच्छा, प्रॉब्लम तो बताइए क्या प्रॉब्लम थी? वो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। ओके, आपने कौन सा उपाय किया फिर हमारा? वो जो काला कलुआ वाला आप बताए थे सर, जी जी, वो तो यही करना है जी। वो मंत्र जो बताया था आपने, जी जी, एक बार करना है उससे आपका काम हो जाएगा जी। मैंने एक बार ही किया था। एक बार में ही काम हो गया आपका? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनके काम नहीं हो पाते हैं या जो सोचते हैं ये मंत्र काम नहीं करते? मैं तो ये कहूंगी सर कि दिल से विश्वास करें, क्योंकि भगवान पे भी हम विश्वास करते हैं लेकिन देखा नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, लेकिन विश्वास करते हैं, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपको विश्वास किया, आपने बोला कि ये मंत्र को एक बार ही बोलना है जी, और अगर काम ना करे तो दोबारा नहीं बोलना है। जी जी बिल्कुल, तो मैंने बहुत प्यार से बहुत ही श्रद्धा से किया इसको। अच्छा, तो मेरा काम हो गया, मतलब एक हफ्ते के अंदर हस्बैंड वापस आ गया और हम लोग बहुत प्यार करते हैं। लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं? वीडियो जो देखते हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वामी जी जो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें बहुत अच्छा है, और जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह आप बने रहिएगा हमारे साथ जी। जी जी जी, जैसा कि आपने देखा या आपने भी सुना होगा, जितनी खुशी इनके चेहरे पे थी या इनको जितनी खुशी का आभास हो रहा था, कल उस खुशी के आप हकदार होंगे, बशर्ते अगर आप सारी चीज़ें सही तरीके से फॉलो करेंगे, उनको अपनाएंगे, तो आपके साथ भी वही होगा जो इनके साथ हो रहा है। और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। यदि आप कोई भी प्रयोग करते हैं, चाहे गलत क्यों ना करें, उसका भी कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ता है। जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम बता सकते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनके मोबाइल नंबर्स शो करूँगा, कुछ नंबर्स हाइड करके। और इस तरह से अब जितने भी लोग ग्रुप में ऐड होंगे, अगली वीडियो में उनके मोबाइल्स नंबर कुछ शो होंगे, जिससे कि सभी को पता लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई गलती रह गई हो या समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में या फिर दुर्लभ सामग्री के ग्रुप पर आप जुड़कर हमसे जानकारी ले सकते हैं। और आपको अंत में ईद मुबारक हो, और इस प्रयोग को ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए इस टाइम पे इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आप अपने
जो भी आपकी प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो भाई तीन तीन चार चार महीनों से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जिनके फ़ोन नहीं लग पा रहे हैं ड्यू टू ओवर कॉल्स, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके कॉल भी लगेंगे, सभी के कॉल लेने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और इतना ही कहूँगा कि जुड़े रहेगा हमारे साथ, हम आपके साथ कदम दर कदम हर मुकाम पे रहेंगे। ओम नमः।